नमस्कार, मैं आरके सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश, और आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। ये हमारा कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए चैनल है ये, जिसमें हम नीट नर्सिंग और अन्य बंडे एग्जाम पीएससी व्यापम वगैरह, तो इनके बारे में भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो चलिए, आज का हमारा सब्जेक्ट है इस चैनल में, यदि आप हमारे मैसेज बॉक्स में जाएंगे तो उसमें जो मेन रूप से बच्चे हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नर्सिंग की बच्चियां मध्य प्रदेश में, वो यही पूछ रही हैं। कुछ पूछ रही हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा पीएनएसटी 2022 का, जिसका जुलाई पेपर हुआ है। एक क्वेश्चन आपका ये भी होता है कि सर जो पीएनएसटी 2021 की काउंसलिंग, जो डीएचएस की काउंसलिंग नहीं हुई थी, तो वो काउंसलिंग कब होगी। और कुछ बच्चियां जो उत्साह से तैयारी कर रही हैं नर्सिंग की, चाहे हमारी कोचिंग की बच्चियां हों या अदर बच्चियां हों जो जुड़ी हुई हैं हमसे इस चैनल के माध्यम से, हम दोनों दूसरे जुड़े हुए हैं, तो वो ये पूछ रही हैं कि सर नेक्स्ट एग्ज़ाम पीएनएसटी का कब होगा, इसका फॉर्म कब आएगा। तो इस वीडियो में मैं यही कुछ चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। तो जो नए हैं बच्चियाँ हैं इसमें, जो नए लोग हैं इस तरह की जानकारी से अपडेट रहना चाहते हैं और उन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कर लें। तो पहले हम बात करते हैं कि पीएनएसटी 2021 की जो डीएचएस काउंसलिंग अभी तक नहीं हुई है, तो काफ़ी समय हो गया है, तो एक प्रकार से बच्चियों के मन में ये बात उठ रही है कि सर ये काउंसलिंग होगी क्या, अब बहुत विलम्ब हो चुका है। कुछ बच्चियाँ मैसेज के में आंसर दे रही हैं कि अब नहीं होगी, तो इसका आंसर मेरा यही है कि जैसे आप सबको मालूम है कि काउंसलिंग को लेकर के और जबलपुर हाई कोर्ट में आपका एक मुकदमा दर्ज है, रिट पिटीशन लगी हुई है और उसकी पेशियां हैं अभी, और यदि हाई कोर्ट जो है वो डीएचएस वालों को इस तरह का आर्डर देता है, यानी इस केस में बच्चियों की जीत होती है, तो निसंदेह रूप से आपकी काउंसलिंग भी होगी और आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन भी मिलेगा आपको। तो अक्टूबर माह में ही पेशी है, सुनवाई की डेट है, थोड़ा सा डेट हमको कंफर्म नहीं है, इसको हम कंफर्म करके शीघ्र ही अगले वीडियो में बता देंगे। इसी माह में ही है, दो चार छः दिन के अंदर है, डेट हमको कंफर्म नहीं है अभी, 17 या 20, तो हम कंफर्म करके आपको बता देंगे। दूसरी बात हम करते हैं पीएनएसटी 2022 का जो रिजल्ट जिस पे स्टे लगा हुआ है ग्वालियर खंडपीठ में, तो वो भी मामला पेंडिंग है। इतना तो स्पष्ट है कि ये इतना बड़ा एग्ज़ाम जो है वो बहुत, इसके पीछे कोई ऐसे कारण नहीं है कि इतने बड़े एग्ज़ाम को जो है रद्द किया सके, थोड़ा सा न्यायालय में मामला पेंडिंग होने के कारण से टाइम लग रहा है। तो बच्चे बिल्कुल चिंता ना करें, उनका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, थोड़ा सा विलम्ब लग रहा है। और जैसा उम्मीद है, जो जानकारियां मिल रही हैं कि करीब फरवरी माह तक आपकी इसकी काउंसलिंग भी हो जाएगी और जो बच्चियां सफल होती हैं उनको जो है वो बीएससी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा। तो ये बात थी। अब एक बात ये है कि जो शाही बच्चियाँ हैं, तैयारी कर रही हैं, जिन्होंने पीएनएसटी 2022 का पेपर नहीं दिया है या पेपर दिया है, उनके अच्छे नंबर नहीं हैं दुर्भाग्यवश, तो वो बच्ची अब अगले एग्ज़ाम का वेट कर रही हैं। तो अगला एग्ज़ाम कब होगा, तो जैसा कि 2023 का एग्ज़ाम, तो 2023 तो ऐसा वर्ष था इसमें दो बार एग्ज़ाम हुए आपके, और जो पीएनएसटी 2023-24 का एग्ज़ाम जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये आपका जो है वो फरवरी माह तक इसके पेपर आ जाए, आपका ऐड आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, और करीब 1-1.5 माह के अंदर जो है ये इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल ना घबराएं, एग्ज़ाम दूर नहीं है, बिल्कुल लापरवाही नहीं, अच्छी तरह से तैयारी करें। 11-12 का ही एनसीईआरटी का कोर्स है, क्वेश्चन कुछ गहरे आ रहे हैं तो उन क्वेश्चनों को देखना है, और जो बच्चियां कोचिंग कर रही हैं तो ये देखने में आ रहा है कि जो पढ़ाने वाले टीचर हैं, जिनसे एक प्रकार से बहुत भावनात्मक नाता होता है, धार्मिक नाता होता है, नैतिक नाता होता है शिष्य और गुरु का, तो बहुत सारे कोचिंग वाले ऐसे हैं जो कि
उनके पास डिप्लोमा है या बीएमएस वगैरह कोर्स किए हुए हैं या छोटा कोई कोर्स किए हुए हैं या कोई भी कोर्स नहीं किए हुए हैं, तो अपने आप को नीट क्वालिफाई बता करके, एमबीबीएस का बता करके और बच्चियों को भ्रमित कर रहे हैं, जबकि इस तरह के एग्ज़ाम में वो कई बार फेल हो चुके हैं। तो अगर हम कोचिंग भी ज्वाइन कर रहे हैं तो हमको मुख्य रूप से कोचिंग में आपका जो मेन पॉइंट होता है आपका वो होता है आपका शिक्षक, टीचर। तो यदि हमें कोई टीचर पढ़ा रहा है तो बेसिक रूप से हमको उसकी क्वालिफिकेशन की रियल जानकारी होनी चाहिए कि उसने कौन सा कोर्स कर रखा है, क्या वो हमको उस लेवल तक का पढ़ा सकता है ताकि हमको सफलता मिल सके। तो इतना ही। तो नई बच्चे हैं बिल्कुल चिंता ना करें, जल्द ही एग्ज़ाम है, लापरवाही ना हो, मई तक पेपर होने की लगभग संभावना है इसमें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तो इस समय थोड़ा सा नर्सिंग का मैटर चल रहा है, इसके कारण से इस चैनल में नर्सिंग के वीडियो जारी डाले जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोई अन्य वैकेंसियाँ हैं, एसएससी है, आर्मी है, पीएससी है, सिविल जज है, एडीपीओ है, उनके बारे में भी कोई अपडेट हमको मिलता है तो हम निसंदेह रूप से उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे। तो आज यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, एक नई न्यूज के साथ। तो नमस्कार, धन्यवाद।